भारत नए आयामों को चूमेगा। मैं सोचती हूं कि बाहर के प्रयत्न और पुरुषार्थ हमें समृद्धि देंगे और भगवान राम की शरण हमें आंतरिक शांति देगी। हम दो दिशा की यात्रा एक साथ कर सकेंगे, ऐसा मार्ग प्रशस्त हो गया है। दीदी, जो बोर्ड था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी जमीन दी गई और उन्होंने ये कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, हम कानूनी पक्ष तलाशेंगे और आगे। विजेंद्र, उनको अधिकार है अब दोबारा कुछ प्रयत्न करने का, लेकिन अच्छा होता इस निर्णय के बाद अगर सभी अपने अहम और बहम त्याग देते, अच्छा होता सब मिलकर अगर इसको इसको इस निर्णय को, इसके फैसले को आदर के साथ स्वीकार करते। लेकिन अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ऐसा सोचता है तो जरूरी नहीं है कि पूरा मुस्लिम समाज ऐसा सोचता है। मुझे लगता है कि सारी सज्जन शक्तियां यही चाहती थी कि रामलला बहुत दिन हो गए टाट के मंदिर में बैठे, उन्हें भव्य मंदिर में विराजना चाहिए। मैं समझती हूं कोई हमारा गैर नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, सब प्रभु राम में है और राम सब में है, वही सब में समाये हैं। इसलिए इस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और भारत के उत्कर्ष के लिए और भारत की प्रगति के लिए भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हिंदू मुसलमान सभी समाज को मिलकर राम मंदिर का भव्य निर्माण करना चाहिए। मंदिर निर्माण की दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी आगे आने वाली जो भी परिस्थितियां होंगी उन्हीं के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। निर्णय